बहुत टाइम पहले एक मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि उसको मैं अपने उससे रिलेट कर लेती थी हाँ, कि क्या जैसे था? उसमें ये की है कि किसी जंगल में जब एक सुबह हिरन जागता है तो वो ये सोचता है कि आज मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो शेर का शिकार हो जाऊंगा, हाँ और उसी जंगल में किसी दिन शेर जागता है वह ये सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। भूखा तो सोना उसी पड़े। को मैंने अपने लिए एक सेट कर लिया था कि अगर आज सुबह उठकर मैंने अपने टास्क पूरे नहीं किए तो मैं उन सभी बच्चों से दूर हो जाऊंगी जो एक अच्छी कोचिंग में और अच्छी जगह रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा बस, तो फिर मैं अपना पूरा दिन अपने जो टास्क रखे हाँ थे हाँ हाँ उनको पूरा कंप्लीट करने में अपना पूरा दिन, बस जब तक शाम जब सोने से पहले उनको मुझे कंप्लीट करना होता था। पर कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी घर में, क्योंकि घर में रहकर की थी तो ये था अपना 80% तक भी पूरा हो जाता था, तो एक अच्छा अंदर से संतुष्ट फील करती थी। हेलो लर्नर, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ कैमोमाइल टी विद द टॉपर। टुडे आज हमारे साथ हैं दिव्या सिकरवार, UPPCS 2022 रैंक 1। वेलकम दिव्या, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, कैसा लग रहा है आपको कैमोमाइल टी में? बहुत अच्छा। तो दिव्या के बारे में आप सभी को पता ही होगा, अभी मैं क्या बोलूँ, पूरा जो है इंटरनेट यूट्यूब सब जगह दिव्या के वीडियो वीडियो चल रहे हैं। तो आज जो है मैं फिर भी बता दूं कि UPPCS 2022 में दिव्या सिकरवार ने रैंक 1 हासिल करी है और बहुत मेहनत करी है, और आप सब जानना भी चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से क्या क्या मेहनत करी थी, क्या उन्हें अच्छा लगता है, सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं दिव्या से ही। तो दिव्या, सबसे पहले अगेन आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने रैंक 1 हासिल करी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस दिन रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन क्या था? सर जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन दोपहर से ही लगभग पता चल गया था, तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं था कि रिजल्ट आने वाला है, बस अच्छा ये फ्रेंड को पता था और मुझे। तो मैं बस वो था क्या पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उससे पहले 2021 में सक्सेसफुल नहीं हुई थी। तो फिर बस शाम के समय रिजल्ट आया था, उस समय मैं खाना बना रही थी खाना बना रहे थे। जी। तो फिर जैसे रिजल्ट आया तो मैंने चेक किया, बस सबसे पहले मम्मी थी पास तो मम्मी को बताया, मम्मी समझ ही नहीं पा रही थी क्या हुआ, मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। फिर मैंने सर आपको कॉल किया, अच्छा तो फिर और सर फिर भाई को बताया, दोस्तों को बताया, फिर पापा थे उनको भी, तो सब बहुत खुश थे और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था तो कि जैसे PDF देखते हैं तो सबसे पहले क्या अपना नाम देखा कि रोल नंबर याद था? सर मुझे रोल नंबर भी याद था, मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी तो अच्छा मुझे जस्ट वो दिव्या सिकरवार दिखा, तो मैंने फिर उसको नीचे दोबारा फिर किया फिर अपना रोल नंबर मैच किया, नाम देखा तो फिर पता चला कि मैं ही हूँ तो मतलब काफी, तो यकीन नहीं होता, पुराने टॉपरों को तो बार बार देखना पड़ रहा था कि ये हमारा ही नाम है कि नहीं है। तो काफी जो है अच्छा लगा होगा आपको, सर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। जब सर मैं आपको बताने जा रही थी तो मैं आपको मैसेज किया, तब तो मेरे हाथ वाइब्रेशन हो रहे थे, मुझसे मैसेज तक टाइप नहीं हो रहा था। हाँ, वो व्यूअर्स थोड़ा मैं बताऊंगा आपको, जब रिजल्ट आया था ना तो इसका तुरंत मैसेज आया था, तो उसने रिजल्ट भी पूरा अच्छी तरह स्पेलिंग नहीं लिखी थी, इसने RESIT लिखी थी। मैंने कहा RESIT क्या होता है, फिर मेरे को लगा अच्छा आज रिजल्ट आया पक्का, तो फिर उसके बाद इसने लिखा सर रैंक 1 तो फिर मैंने कहा अरे मर गए, मतलब कि इसने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अगेन मतलब दिल से इतनी ज़्यादा हमें खुशी हुई, जिस बच्चे को पढ़ाया हम लोगों ने वो आज इस मुकाम पे आया, और एक हम्बल बैकग्राउंड से। तो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सर मैं आगरा जिला के एतमादपुर तहसील के गढ़ीरामी गांव में रहते हैं, हम शुरुआत से ही वहीं रहे हैं, और मेरी पूरी स्कूलिंग फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और मैंने ये सिविल सर्विस की तैयारी भी अपने वहीं गांव में रहकर ही की है। और सर मेरी फैमिली में दादी हैं, मम्मी पापा और दो भाई हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं और पिताजी रिटायर हैं BSF से, और अभी हम खेती का कारोबार होता है घर पर। तो ये कब आपको लगा कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए? सर 12वीं तक तो मुझे इस फील्ड की कोई जानकारी नहीं थी, जब ग्रेजुएशन में आई तब पता चलता, क्योंकि न्यूज़पेपर भी पढ़ने लगी थी फिर उस समय तक, तब पता चलता था कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, और जैसे DM SDM यहाँ पर आते हैं, गांव में भी कई बार आए थे तो उन सभी की जानकारी मिली। फिर उसके बाद से मैंने फिर सोचा था कि ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करूँ, लेकिन फिर उस समय उतनी ठीक है चीज़ें उतनी ठीक नहीं रही, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की क्योंकि सभी फ्रेंड्स थे वो भी कर रहे थे,
तो फिर उसके बाद एमएससी करने के बाद फिर मैंने इसकी तैयारी की सिविल तो सर्विस की। ये बीएससी एमएससी कहाँ से थी आपकी? सर मेरी सेंट कॉलेज आगरा से करी थी। अच्छा, तो वहाँ पे और भी बच्चे करते थे प्रिपरेशन, या आप ही के मन में था कि मैं प्रिपरेशन करूँगी ऐसा? नहीं सर, मैं बताना चाहूँगी कि ग्रेजुएशन के समय में मैं इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे अच्छा। वहाँ, तो बस थोड़ा बहुत कभी कभी जिक्र हो जाता था, इतना था, वरना ऐसा कोई नहीं था कि साथ में कोई तैयारी कर रहा हो। अच्छा, तो आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या था आपका, और ग्रेजुएशन में सर सब्जेक्ट क्या मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस था? स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से किया था, और एमएससी मैंने स्टैटिस्टिक्स से किया था। तो जो आपने इतना बड़ा जो एक तरीके से मुकाम हासिल किया है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? और इसका श्रेय मैं अब ईश्वर को, अपनी फैमिली को, सर आपको और अपने दोस्तों को देना चाहूँगी। अच्छा, तो मतलब जब दोस्तों को पता चला, दोस्तों के फोन आए, घर पे आए, मतलब क्या रहा, पूरा गांव ने किस तरीके से इसको सेलिब्रेट करा, कुछ बताओ थोड़ा। सर सबसे पहले तो फैमिली और फ्रेंड सबको बताया था, उसके बाद गांव में धीरे धीरे पता चल गया, फिर सभी लोग हैं गांव के, पड़ोसी आसपास के सब लोग, सब एकदम से आए घर पर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, अच्छा, ऐसा तो माहौल इसमें था। रोकना चाहूँगा कि मैंने सुना था कि जब दिव्या का रिजल्ट निकला था, तो गांव वाले तो सब जानते थे कि उस परिवार से एक लड़की जो है दिव्या, वो जो है रैंक वन लाई है, लेकिन दिव्या अपने गांव वालों में बहुत कम लोगों को जानती थी, तो ये सच्चे है क्या ये ऐसा? जी सर, क्योंकि मैं ज़्यादा घूमना फिरना नहीं था, और अच्छा, अपने जाना है तो बाहर, जैसे शादी है, कोई भी पार्टी है, तो मैं बहुत अवॉइड करती थी जाना मतलब तो बाहर। पार्टी वार्टी में भी नहीं जाती थी कभी, नहीं रिश्तेदारी में भी कहीं नहीं? नहीं नहीं तो ज़्यादातर ऐसा था कि पता नहीं था सभी लोगों को कि अच्छा, तो मतलब आपने भी उन्हें पहली बार देखा जब वो आए आपको नहीं ग्रेटिट्यूड्स देने? हाँ सर, जैसे अपना आसपास के जो पड़ोस में हैं उन सबको तो जानती थी, लेकिन अच्छा, जो थोड़ा ज़्यादा दूर हैं उनको नहीं जानती थी। देखो आप व्यूअर्स, आपने कि जो आस पड़ोस के अलावा जो लोग हैं ना, उसको उन्होंने भी पहली बार जाना था जब वो लोग इनको जो है बधाई देने आए थे। तो मतलब व्यूअर्स क्या समझे, बंद कमरे में रह के पढ़ाई करती थी कि तो क्या चल रहा था ये एक्सपेरिमेंट? सर नहीं सर, बंद कमरे में नहीं, क्योंकि सर ग्रेजुएशन के समय में जैसे मैंने, तो मुझे बस कॉलेज जाना, फिर वहाँ से सीधे आके घर अपना, क्योंकि काम भी रहता था घर में, थोड़ा मम्मी की हेल्प भी करती थी, तो अपना काम किया और अपनी पढ़ाई की, बस इतना ही रहता था, और जाना बस फैमिली फैमिली में कोई फंक्शन है तो चले गए, वरना बाहर ज़्यादा जाना अवॉइड करती थी। अवॉइड करती थी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम जो है आपके प्रीलिम्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं। जी सर, सर ये ऐसे ये एग्ज़ाम है सिविल सर्विस का, इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। ठीक, सर सर इसकी तैयारी हमें इंटीग्रेटेड वे में करनी चाहिए, जैसे मैंने भी इसकी तैयारी सबसे पहले अपना मेंस का सिलेबस ख़त्म किया, तब ऑप्शनल भी होता था, अब इस 2023 से तो ऑप्शनल हट गया है, तो मैंने जैसे अपना प्रीलिम्स से पहले ऑप्शनल कंप्लीट कर लिया था, और जीएस का भी 80% पोर्शन मेरा कंप्लीट था। जीएस, GS 1 2 3 4 का जी ये प्रीलिम से पहले आपने खत्म कर लिया था? जी ठीक, फिर और क्योंकि जैसे मैं मेंस के लिए पढ़ती थी, जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो उसके साथ में प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि यूपीपीसीएस में फैक्चुअल भी ज़्यादा आता है, तो मैंने हर सब्जेक्ट की अपनी अलग कॉपी भी बना रखी थी, अच्छा, तो मैंने जैसे अपना जो बेसिक है वो अपना मेंस के लिए कर लिया, और प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल अपनी कॉपीज़ में बना लिया, तो हर सब्जेक्ट की मैंने अपनी अलग अलग कॉपी बना रखी थी, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स सर मैंने आपसे ही पढ़ा था, क्योंकि मुझे बुक से कभी समझ ही नहीं आई, और अच्छा। एनवायरनमेंट। तो इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि मैंने 80% GS 1 2 3 4 का ख़त्म कर लिया था, ऑप्शनल भी ख़त्म कर लिया था प्रीलिम्स से पहले, लेकिन ज़्यादातर मैं एस्पायरेंट को देखता हूँ तो वो कहते हैं सर पहले प्रीलिम्स क्लियर करो, मतलब प्रीलिम्स को तो ख़त्म करो फिर मेंस को ख़त्म करो, तो ये पॉसिबल है डायरेक्ट मेंस में कूदना? और एक नहीं अगर सर, पॉसिबल है तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, वो व्यूअर्स को बताओ। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब प्रीलिम्स का पेपर होता है सर, उसके लगभग 3 या 4 महीने बाद ही मेंस लगा होता है, और सर उन उतने कम समय में हमें पूरा मेंस का सिलेबस ख़त्म करना, फिर आंसर राइटिंग करके उसे याद भी करना है आंसर राइटिंग करके, तो वो मुझे नहीं लगता कि मुमकिन होगा, तो इससे ओके, पहले मतलब हमें मेंस का ख़त्म करके मतलब आधा तो करना ही करना चाहिए, ये है। एडवांस में अगर हम जितना अपने आप को स्ट्रेच कर लेंगे मेंस के लिए,
उतना हमें फायदा होगा, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में जी। गैप बहुत कम और है। सर इससे एक कॉन्फिडेंस भी आता है अंदर अच्छा कि हाँ हमारा मेंस लगभग आधा हो रखा है, तो बस हमें प्रीलिम्स हमारा जैसे ही हमारा क्वालिफाई होता है, जैसे हम मेंस का सिर्फ अपना आंसर राइटिंग करके और जो भी इनकम्प्लीट है उसको कम्प्लीट करके सीधे ही अपना मेंस बेटर करना है। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी हम मेंस की तैयारी करते हैं तो उससे हमारा प्रीलिम्स और बेटर ही होता है, कमज़ोर नहीं होता। तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बुक आपने पढ़ी थी? जी सर, जैसे सर लक्ष्मीकांत की बुक आती है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत, की, ठीक है। वो पढ़ी थी। और हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड और मिडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी, एंशंट और मिडिवल हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी और मॉडर्न की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी। और सर साथ ही साथ मैं आपकी क्लासेज भी करती रहती थी। और सर वो पढ़ी थी एक ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की जी एनसीईआरटी पढ़ी थी, एनसीईआरटी पढ़ी थी और एक जी सी लियोन की जी बुक सी भी पढ़ी लियोन, थी। ठीक है। और सर ये सब चीज़ें और एटलस, और सर ठीक एमसीक्यू के लिए मैंने 20 साल के आयोग के द्वारा कराए गए एमसीक्यू ठीक है, लिए थे। और घटनाचक्र पब्लिकेशन की पूर्वालोकन से पर सब्जेक्ट जो की बुक सब्जेक्ट आती वाइज है, आती है, ठीक हाँ है। वो। और ये सर, और सर करंट अफेयर के लिए मैंने घटनाचक्र की ही मंथली मैगजीन आती है वो ली थी, और एक उनकी ईयरली भी आती है, एग्जाम से ईयरली, 15-20 दिन पहले आती है, उससे मैंने करंट अफेयर कम्प्लीट किया था। तो मतलब प्रीलिम्स का जो है कुछ आपने जो है बुक का लिया, कुछ आपके खुद के नोट्स थे, और जो है और करंट सर अफेयर के क्लासेस लिए जो चलती थी मैगजीन, सर आपके द्वारा ठीक है। वो। क्लास आप रेगुलरली करते थे, तो ये तो हमारा प्रीलिम्स का पड़ाव हो गया। अच्छा, इस प्रीलिम्स के पड़ाव में थोड़ा माध्यम भी डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे, खासकर हिंदी वाले, ज़्यादा परेशान रहते हैं कि स्टैंडर्ड बुक जो है उनकी हिंदी माध्यम की, उनका प्रकाशन उतना अच्छा नहीं है जैसा इंग्लिश माध्यम का है। हालांकि लक्ष्मीकांत तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आने लग गई है, स्पेक्ट्रम में आने लग गई है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की, सही में हिंदी मीडियम एक बैरियर की तरह काम कर रहा है या ऐसा कुछ भी नहीं है प्रीलिम्स लेवल पे? सर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बैरियर है, क्योंकि मेरी खुद की भी 12वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम में ही हुई है, और अच्छा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा मीडियम इंग्लिश हो गया था। और जब ग्रेजुएशन का पहला साल था तब मुझे काफ़ी दिक्कत हुई थी फर्स्ट ईयर में। सर मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो BSc फर्स्ट ईयर थी उसमें 2 सब्जेक्ट में मेरी री आई थी, री मतलब बैक, बैक आई थी अच्छा। जी, तो मुझे उनके पेपर दोबारा देने पड़े थे क्योंकि मुझे वो फर्स्ट ईयर में कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। लेकिन मैंने खुद को मोटिवेट किया कि जब मुझे करना है, जब सामने, तो मैं बैरियर क्यों रखूं किसी चीज़ का। और किसी अच्छा भी हिंदी या लैंग्वेज सीखना कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, ये तो और अच्छी बात है कि हमें हर लैंग्वेज जितनी हिंदी इंग्लिश है तो अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो सर जैसे गूगल ट्रांसलेशन है सर, उसके द्वारा जैसे मुझे भी कभी कभी कोई स्पेलिंग है, मीनिंग है, समझ नहीं आती थी, तो मैं उसके द्वारा उसको गूगल गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेशन कर करके लेते देख थे। लेती थी और वहीं जो बुक है उसके ऊपर लिख लिया। कभी मुझे हिंदी का ऐसे मैं कर लेती थी उससे, तो मैंने अपने लिए कोई भी बैरियर नहीं रखा कि मुझे चीज़ें हिंदी में मिले तो मैं हिंदी में ही पढ़ूंगी या इंग्लिश में मिले तो इंग्लिश में ही पढ़ूंगी। बस मेरा अंदर ये रहता था कि मुझे बस इस एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से निकालना है अपने घर रहकर, ये है। तो मैंने बस जो मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर भी पढ़ा है और योजना कुशेत मैगजीन मैंने इंग्लिश में ही आती थी वो ली थी, तो वो सब ऐसा मैंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। और मैं सभी एस्पायरेंट हैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि ये परीक्षा बहुत बड़ी होती है, और अगर इसमें हम किसी एक चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें उतनी आसान होंगी। तो यही है कि, और अब इंटरनेट के टाइम में तो इतना कुछ है भी नहीं, बिल्कुल चीज़ें बहुत आसान हैं। तो बैरियर मत रखी रखिए कि हिंदी में ही करना है या फिर इंग्लिश में ही करना है, आप करिए। बाधाएं जितनी भी लगाओगे, बाधाएं मल्टीफोल्ड होती रहेंगी। माध्यम कोई भी हो, आपके सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हिंदी इंग्लिश दोनों का मिश्रण, जिसको हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो ये बाइलिंगुअल जो था, ये मेंस में अलाउ होता है? जी सर, सर मुझे भी पहले पता नहीं था, जैसे हाँ। सर आपने भी एक दो बार क्लास में डिस्कस किया था कि UPPCS में ऐसा है कि किसी एक पेपर को एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उस पेपर में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने, क्योंकि सर मेरा ऐसे में मुझे इंग्लिश में लिखने में उतना अच्छा नहीं आ रहा था, एक्सप्रेशन नहीं कर हाँ पाती एक्सप्लेन होगी। नहीं कर पा रही थी अच्छी तरीके से। और सर GS4 का भी जी यही एस फोर चीज़ यानी थी, एथिक्स, एथिक्स का। ठीक। तो सर जैसे फिर आपसे मैंने पूछा सर, और भी कई टीचर्स थे, मैंने थोड़ा यूट्यूब पे सर्च भी किया, तो पता ठीक। चला कि UPPCS में ऐसा कर सकते हैं, तो फिर मैं इसी के साथ गई। तो इंग्लिश में कौन कौन से पेपर लिखे हैं आपने, और हिंदी में कौन से लिखे? सर मैंने GS 1, 2, 3 और ऑप्शनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ठीक इंग्लिश है। में लिखा है, और ऐसे का ऐसे और GS 4 और एथिक्स फोर, का, ठीक। वो हिंदी में लिखा है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे थे तुम्हारे जो पुराने वीडियो हैं कि इनका इंग्लिश हिंदी माध्यम है, ये भी जी, क्लियर। माध्यम मेरा इंग्लिश ही था लेकिन मैंने ये 2 पेपर अपने हिंदी में लिखे।
अच्छा, जो मेंस की तैयारी है तो उसमें मिनिमम लगभग कितना टाइम चाहिए कि एक अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो जाए और आंसर राइटिंग भी हो जाए हमारी? जी सर, सर जैसे मुझे लगता है कि सर अगर हम डेली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 साल में ये तैयारी अपनी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 1.5 से 2 साल मान के जी चले हम। सर, पहले तो सर ऑप्शनल होता था, तो हाँ वही कम से, अगर जैसे सर कुछ छोटे ऑप्शनल होते हैं वो तो 3 से 4 महीने में 5 महीने में ठीक कंप्लीट हो है। जाते हैं, तब वो था, पर अभी ऑप्शनल नहीं है। तो सर ये मुझे लगता है कि अगर डेली कंटिन्यूटी से हम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करें तो लगभग 1.5 साल में सिलेबस UPPCS का ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। तो मेंस के लिए कुछ किताबें पढ़ते थे, कैसे करते थे मेंस की तैयारी आप? सर मेंस के लिए सर जैसे मैंने यूनिट वाइज नोट्स बनाए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैंने ठीक है, सिलेबस तो सबसे पहले अपना लिख लिया था लिख लिया A4 शीट पे सिलेबस। लिख के, फिर अपने टेबल पे ही रखा रहता था हर समय। तो फिर यूनिट के अकॉर्डिंग करती थी, टॉपिक के अकॉर्डिंग, आज मैं इतनी यूनिट कंप्लीट करनी है, और कुछ बुक्स थी जैसे पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए, वहाँ से भी वो चीज़ें मिल जाती थी, वो ऐड कर ली। और सर आपकी क्लासेज भी होती थी कंटिन्यू, तो मैं उनसे करती थी। योजना क्वेश्चन मैगजीन आती है, उनसे भी हमें काफ़ी सहायता मिलती है। कभी कभी तो मुझे जैसा लगता है कभी कभी कोई पूरी यूनिट पर ही वो, हाँ, हाँ कुछ आती कुछ है योजना में आते हैं अंक, जी। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के। और ऐसे में भी सर उनका जो एडिटोरियल आता है वो ऐसे में काफ़ी हेल्प करता है। और सर द न्यूज़पेपर पढ़ती थी करंट अफेयर्स के लिए डेली, और करंट अफेयर के लिए मैंने जैसे 4 कॉपी बना रखी थी, जैसा आपने बताया था हाँ क्लासेज में कि 4 कॉपी रखी है, GS 1 2 3 4, और मैंने ऑप्शनल की भी रखी थी सोशियोलॉजी ठीक की। है। तो जैसे ही कोई किसी भी टॉपिक से न्यूज आई है तो, और हमें सिलेबस इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारे न्यूज़ होती हैं, जब बहुत हमें अपना होती है। सिलेबस याद होगा तो हम डायरेक्टली उस चीज़ को, कोई भी घटना है तो उसको कोरिलेट कर पाएंगे ठीक आसानी से। है। तो जैसे ही मुझे मतलब आता था कि इस समय से यूनिट से इस टॉपिक से है, तो अपनी उस कॉपी में नोट कर लेती तो थी। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो उसको काट के चिपकाते हैं। आप पूरा आर्टिकल लिखते थे, कैसे करते थे, हेडिंग लिखते नहीं, पहले मैं आर्टिकल पढ़ती थी, थे? ठीक है। फिर उसमें जो मुझे लगता था मुझे इम्पोर्टेंट है तो उसको, जो लाइन्स थी तो लाइन्स भी लिखती थी, और कीवर्ड और जो है थीम हाँ आप उतार के जी रख लेती थी जी चार डाटा भी पेपर का। मिलता है उसमें से, कई स्कीम्स, अपने स्कीम की भी कॉपी थी अब जो। और सर इसमें ये भी है कि यूपी गवर्नमेंट का भी साथ साथ करते रहना अच्छा, है। न्यूज़पेपर कौन सा प्रेफर करते थे? सर मैंने द हिंदू का ई पेपर लिया था क्योंकि ठीक गांव है। में हाँ, तो आता नहीं था, और सर मैंने घर पे हिंदुस्तान आता था हिंदुस्तान तो आता उसमें मुझे था। यूपी की न्यूज़ मिल जाती थी। ठीक है, यूपी की न्यूज़ के लिए आप वो कर लेते थे ये। हाँ बोलिए। और सर जैसे डाटा के लिए उसकी भी अपनी अलग डायरी छोटी सी बना रखी थी, उसमें ठीक है। हर जैसे पॉवर्टी है, हंगर है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड डाटा जैसे आपने बताया था, तो वहीं हर एक जो भी है टॉपिक उससे एक दो अच्छे डाटा मिल जाए, रिपोर्ट्स मिल जाएँ, नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती हैं कई सारी, वो मिल जाएँ, तो वो हम उसे आंसर में कोट कर सकते हैं उससे, और अच्छा आंसर बनता है हमारा। तो ये जो मेंस की, तो आपने ये बेसिक बता दी किस तैयारी कर रही थी, थोड़ा मुझे आंसर राइटिंग के बारे में बताओ कि ये कितना ज़रूरी है और कैसे किस तरीके से करना चाहिए। सर आंसर राइटिंग तो मुझे लगता है इस एग्ज़ाम का रीढ़ है, बिना आंसर राइटिंग के ये एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा। जैसे मैं भी शुरू शुरू में करती थी तो मुझे भी क्या कहते हैं, एक एक घंटा लग जाता था आंसर को लिखने में एक आंसर लिखने में 1 घंटा। जी, स्टार्टिंग ठीक के समय में ठीक तो जैसे कि, और फिर जब हम करते जाते हैं, और ये भी होना चाहिए कि हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो तभी हमें आंसर राइटिंग करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सिलेबस भी टॉपिक भी कंप्लीट नहीं है, फिर हम उसको आंसर ही लिखने में लगे हुए हैं, जब हमारे पास कंटेंट ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे क्या। ठीक तो है। सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट, सेलेबस करो, पूरा कंटेंट बना लो। जी, ऐसे पूरा ठीक। तो कंप्लीट कभी नहीं होता है, लेकिन वो यूनिट है जितना ठीक है। सफिशिएंट हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख कर के, हाँ हमारे बन रहे हैं, फिर उसको लगाएं। जैसे मुझे तो स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता था, बहुत गड़बड़ होती थी जैसे, और क्योंकि मैंने इंग्लिश में ही लिखा था तो मुझे इंग्लिश में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, सेंटेंस भी मेरे सही नहीं बनते थे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लिखा। और जैसे सर मैं आपको चेक कराती थी कॉपी, तो आप उसमें गलतियां बताते थे, यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन को चेंज करो, यहाँ पर ये डाटा लगाओ, यहाँ पर ये चीज़ें करो, कंक्लूज़न ऐसा करो, तो वो सब चीज़ें ठीक करती थी। और लिखा बहुत था, जब मेरा 2020 का मेंस था उस समय मैंने लिखा नहीं था, अच्छा। हाँ, तो ये मेरी गलती थी कि
उसमें आंसर राइटिंग मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई, ज़्यादा मैंने सिर्फ एक या दो पेपर लिखे होंगे और कुछ, और अच्छा ऑप्शनल तो एक भी नहीं लिखा था ऑप्शनल का पेपर, तो इस वजह से मेरे जो एग्ज़ाम था मेन उसमें काफ़ी हर पेपर में मेरे दो तीन क्वेश्चन छूटे थे, इस वजह से वो मेरा मेंस भी क्लियर नहीं हुआ था। पर 2021 के लिए मैंने काफ़ी फिर इम्प्रूवमेंट किया, और सोशियोलॉजी के आंसर आपसे चेक कराए, आप बताते थे कि ऐसे करो, तो फिर मैं दोबारा, आप तो कभी कभी पूरा आंसर ही काट देते थे कि इसको दोबारा लिख के लेके आओ, तो फिर मैं उसको दोबारा लिखती, और फिर आपको जैसे वो होता है फ़ोटो अपलोड करके चेक कराती थी। तो इन कभी कभी तो तीन तीन पेपर भी लिखे हैं। और मैंने एक और की चीज़ की थी कि मैंने पेपर जब भी मैंने प्रीलिम्स का भी लगाया हो और मेंस का भी, मैं उसी टाइम पर लगाती थी कि जब वो आयोग में, जब हमारा जो मेन एग्ज़ाम होता है उसी टाइम पर लगाती मतलब थी, टाइम आप सेम रखती सेम थी। रखती थी। हाँ अच्छा जैसे अगर मुझे मेंस का लिखना है तो जैसे पहला जो होता है पहले शिफ्ट हाँ में पेपर वो, फिर दूसरा लिखना है तो दूसरे शिफ्ट वाला 2 से 5 वो, फिर अगर मुझे लगता है चलो एक और लिख ले रही हूँ तो फिर उसको मैं रात में लिख लेती थी 3 घंटे का लगा के। अच्छा जी, और वैसे दो पेपर तो थे ही, एक एक किसी दिन एक लिखा, किसी दिन दो लिखे, अगर ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो 3 लिखे, और लिखते लिखते तो सर काफ़ी हाथों तो में दर्द होने लगता था, उंगलियाँ भी, अच्छा जब जिस दिन 3 पेपर लिखते थे उसके बाद तो हाथ सीधा ही नहीं होता था, बहुत ज़्यादा दर्द होता था। लेकिन ये है कि लिखना तो पड़ेगा ही, बिना लिखे काम नहीं चल सकता हमारा, तो तो हाथों की उंगलियां जितनी सूजी उनके रिजल्ट तो आया जी सर उनका ना। ये है पॉजिटिव रिजल्ट आया। और सर इतना बड़ा तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सिर्फ सिलेक्शन की ही उम्मीद कर रही थी, पर ये है कि अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो उसी का रिजल्ट है अच्छा ये। पढ़ते पढ़ते कभी डिमोटिवेट नहीं हो जाते थे कि अब तो कुछ नहीं होना है, छोड़ो इस चीज़ को? सर डीमोटिवेशन तो सर आता है, हर तीसरे चौथे दिन लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मुझे भी कई बार आया था। पहली बार तो जब 2020 के, नहीं सबसे पहले तो ये था कि जब मैं इस तैयारी में आई थी तब मुझे यही समझ नहीं आ रहा था मैं तैयारी करूं कहाँ से, अच्छा क्योंकि ऐसा फ्रेंड सर्कल भी नहीं था जो तैयारी बाहर कर रहा हो, फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं था कि जो बता दे गाइड कर दे, तो मैं सिर्फ यूट्यूब से ही सर्च करती रहती थी, ऐसे अच्छा टॉपर्स की वीडियो हैं रैंडम सर्च कर दिया। जी, तो उस समय UPSC के टॉपर्स ने उनकी वीडियो देखती थी, जो वो सोर्सेज बताते थे उनको भी अपना फिर देखा, पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने खुद अच्छा से पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन वो धीरे धीरे अंदर से ऐसा आ रहा था कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस ऐसे एग्जाम में गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, बिना गाइडेंस के आप गलत चीज़ें पढ़ सकते हो। और एक ये भी है कि हमें क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, हम अपना समय भी वेस्ट करेंगे अगर हमने कुछ गलत पढ़ लिया। तो फिर ऐसे ही करके सर आपसे कनेक्ट हुई, फिर आपसे कनेक्ट होने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी एकदम से मजबूत तरीके से स्टार्ट की, फिर उसके बाद ही मैंने सब ये जैसे किया था, 20 का मेन प्रीलिम्स दिया था, तो प्रीलिम्स मेरा हर बार हो गया था, क्योंकि जैसे क्लासेस के दौरान और बुक से नोट्स बनाए थे अपने हैंड रिटन, तो उसके माध्यम से प्रीलिम्स तो नहीं रखा, लेकिन मेंस के लिए वही दिक्कत होती थी, पर वो फिर मैंने लिख लिख के उनको ठीक किया। तो कभी कभी तैयारी के टाइम पे ऐसा भी लगता होगा कि अब नहीं होगा, अब छोड़ के चले जाओ, तो जब डीमोटिवेट होते थे तो क्या करते थे आप? सर डीमोटिवेशन तो इस एग्ज़ाम में हर तीसरे चौथे दिन लगता है कि ये तैयारी ही छोड़ दें, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है और हमें हर चीज़ से सैक्रिफाइसेस भी करना पड़ता है, हमें बाहर जाना अवॉइड करना पड़ता है, मैं तो फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी, पूरा दिन अच्छा सिर्फ अपना थोड़ा अपना काम करना है और अपना पढ़ना है, तो इसमें डीमोटिवेट रखना पड़ता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि चीज़ें कब होंगी कैसे होंगी, जैसे मुझे भी लगता था जब मैंने तैयारी स्टार्ट करना सोचा था तभी, क्योंकि मेरे पास बाहर जाने का उतना ऑप्शन था नहीं, तो सबसे पहले तो यही था कि मैं तैयारी करूँगी कैसे, तब मैंने इंटरनेट के माध्यम से टॉपर्स की जो वीडियो थी उनके जरिए और जो भी सोर्सेज बताते थे उससे पहले खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, तो ठीक फिर अंदर से फिर वही फीलिंग सी आई कि नहीं हो पाएगा ऐसे, बिना गाइडेंस के नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट हुई, फिर आपसे कनेक्ट होके फिर लगा कि हाँ ठीक है हम सही एक रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन फिर लगता था कि जब जैसे 2020 के मेंस में मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उस समय भी लगा था कि मेहनत की थी और रिजल्ट वैसा नहीं आया, मैं सोच तो रही थी कि पास दो हूँ नंबर से रुका सर, वो मेरा था। 2021 का 2 नंबर से अच्छा रुका था सर, उस समय मुझे काफ़ी डिमोटिवेशन आया था, अच्छा जिस दिन रिजल्ट आया था सर मुझे जहाँ तक डेट याद है 18 या 19 अक्टूबर को अच्छा 2021 का फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसके नेक्स्ट डे मैं घर से बाहर चली गई थी, क्योंकि अच्छा मुझे घर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर सा फील हो रहा था, ऐसा मतलब बहुत अजीब लग रहा था अंदर से, अच्छा नेगेटिव फीलिंग्स ही आ रही थी अंदर से अच्छा बहुत ज़्यादा। मतलब कहाँ गए थे? अच्छा मैं आगरा चली गई थी बाहर, मैं घूमने चली गई थी, तो मार्केट वार्केट हो मार्केट गया। वार्केट भी, अच्छा तो
वही था, लेकिन भाई का सपोर्ट बहुत था। हर मुझे फोन करके कहा कि जब इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रही हो तो एक दिन तो पहुँचना ही है, तो डिमोटिवेट मत होइए। और मम्मी का काफ़ी सपोर्ट था। अच्छा मम्मी तो ये कह, जब भी जैसे पढ़ रही हूँ तो मम्मी पास आके कभी कभी खड़ी हो जाती नहीं, तो यही कहती थी कि बेटा बहुत मेहनत करती है, तेरा रिजल्ट तो आना ही है, हिम्मत मत हार। तो बस इन्हीं सब का सहयोग देके, दोस्त थे वो भी कहते थे कि अरे अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखो, तुम्हें तो होना ही है एक दिन, अगर ये फेलियर्स आ रहे हैं तो इससे कुछ अच्छा ही होना होगा। इसलिए तो उन सब चीज़ों से काफ़ी मोटिवेट मिलता था इस असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी जी। थी। और कभी कभी ऐसा लगता था कि अब जब कहीं से भी यूट्यूब के माध्यम से भी कभी कभी जब थोड़ा डिमोटिवेशन आया तो यूट्यूब के कुछ भी सुन लिया, अच्छा स्पीकर जो भी होते हैं उनका सुना, मोटिवेशनल स्पीकर। जी तो उनसे भी थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता था। तो तब लग जब जा बहुत ज़्यादा जब उनसे काम भी चलता रहा था, फैमिली के सपोर्ट से होता, अच्छा जब कभी अंदर से लगता था कि नहीं अब कुछ ही समझ नहीं आ रहा है, तब मैं जब मंदिर चली जाती थी, वहां जाके मैं बस यही कहती थी कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने रोज के टारगेट को पूरा कर पाऊँ, और बस अच्छा और हर तरीके से मैं अपनी बस इस एग्जाम में जितनी भी मेहनत लगती हो उतनी मेहनत करने की शक्ति दीजिए मुझे। बस वहां से आके फिर अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी फील होने लगती थी, फिर मैं इसको करती, फिर अपने डेली के टारगेट पूरा करने में जुट जाती थी। तो व्यूअर्स आप देख रहे हो कि मेरे ख्याल से पहला आप जो है रैंक वन देख रहे होगे जो मंदिर में जाके भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं रोज के अपने टास्क पूरे कर लूँ। तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी है उनने, और जो है मेहनत तो इतनी ज़्यादा करी है कि मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल सेट हो गया। जैसे आप जो है यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियो देखती थी, अब आने जी वाले 20 सालों तक आपके वीडियो देखा करेंगे लोग कि दिव्या ने ऐसा क्या जी किया सर, था। मेरे दिमाग में जैसे मैंने बहुत टाइम पहले एक मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि उसको मैं अपने से रिलेट कर लेती थी हाँ कि क्या जैसे था। उसमें ये की है कि किसी जंगल में जब एक सुबह हिरन जागता है तो वो ये सोचता है कि आज मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो शेर का शिकार हो जाऊंगा, हाँ और उसी जंगल में किसी दिन शेर जागता है वह ये सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं दौड़ा तो मैं भूखा रह जाऊंगा। भूखा तो सोना उसी को पड़े। मैंने अपने लिए एक सेट कर लिया था कि अगर आज सुबह उठकर मैंने अपने टास्क पूरे नहीं किए तो मैं उन सभी बच्चों से दूर हो जाऊंगी जो एक अच्छी कोचिंग में और अच्छी जगह रहकर तैयारी कर रहे हैं। तो अच्छा बस, तो फिर मैं अपना पूरा दिन अपने जो टास्क रखती हाँ थी हाँ हाँ उनको पूरा कंप्लीट करने में अपना पूरा दिन, बस जब तक शाम जब सोने से पहले उनको मुझे कंप्लीट करना होता था। पर कभी कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती थी घर में, क्योंकि घर में रहकर की थी, तो ये था अपना 80% तक भी पूरा हो जाता था, तो एक अच्छा अंदर से संतुष्ट फील करती थी। तो मतलब जो है एक तरीके से लॉ ऑफ नेचर भी काम करा, जंगल का कानून भी काम करा है। जी सर, काफ़ी। और ये भी होती है कि ऐसा कहा जाता है कि नेचर हमारी मेहनत का एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं करती है। बिल्कुल रिजल्ट से पहले तक तो मुझे लगता था कि मैं तो काफ़ी मेहनत करती हूँ और काफ़ी मेहनत की है, ग्रेजुएशन के समय भी जब मेरा मीडियम चेंज हुआ था उस समय भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड की हैं, सेक्रीफाइसेस भी काफ़ी करने पड़े हैं, तो मतलब मेरा रिजल्ट कब आएगा, मैं ऐसा शिकायत करती थी। लेकिन जब अब लगता है कि जो नेचर है वो हमारी मेहनत का ज़रा ज़ाया नहीं होने देती, उसका और कई गुना करके ज़्यादा मैं वापस करती है। बिल्कुल बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए। अब जितने भी रिश्तेदारों की शादी वादी में नहीं गए, अब मतलब रिश्तेदारों का क्या था इम्प्रेशन कि जब तुम्हारा देखा रिजल्ट की घर पे आए कि फोन पे क्या। सर घर पे भी आए, काफ़ी हाँ सारे लोग घर पे आए और फोन कॉल्स भी काफ़ी आए। अब अभी मतलब क्या कहते हैं कि हमें पता था कि ये सेलेक्ट हो जाएगी, यह पढ़ाई के टाइम पे कुछ और सर कहते थे। क्योंकि सर जब उस समय आते थे, हाँ जब मैं तैयारी कर रही थी, तब अब वो पूछते थे कि दिव्या कहाँ है, तो हाँ घर वालों का एक ही जवाब होता था कि वो पढ़ रही पढ़ है। रही तो सभी ये कहते थे कि क्या पढ़ रही है। तो है। बस ये था कि सभी को बहुत खुश हाँ है इस टाइम, तो बहुत ज़्यादा। नहीं ये तो ये भी नेचर की लॉ ही है कि सब पूछते हैं क्या कर रही है, कब तक पढ़ेगी, कितने साल तक पढ़ेगी, कब सिलेक्शन होगा। चलो जो भी हुआ बढ़िया हुआ। ये तो मेंस का आपने सारा जो पढ़ा, लेकिन मुझे ये बताओ जैसे जैसे से हमारा एग्जाम नज़दीक आना होता है तो उस समय हमें कैसी स्ट्रेटजी रखनी पड़ती है मेंस के लिए। जी सर, रिवीजन की जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने बनाई थी कि मैंने अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए थे हैंड रिटन क्लासेस के माध्यम से, और जो भी ऐड ऑन करना होता था वह, और करंट अफेयर के लिए मैगजीन फॉलो करती थी जैसे। और प्रीलिम्स की जैसे मैं 3 से 4 महीने पहले तक तो मीन्स का ही अपना आंसर राइटिंग करना ये सब होता ठीक था, है और लगभग 3 महीने पहले फिर प्रीलिम्स फोकस हो जाती थी। अच्छा मेरे नोट्स क्योंकि 2020 के अटेम्प्ट के लिए मैंने बनाए थे, तो वही को बस मुझे बेसिक नोट्स हैं उन्हीं को रिवीजन करना, और सिर्फ अच्छा करंट अफेयर अपनी
डेली की करना। तो और मैंने एक एक रिवीजन चार्ट बना लेती थी मैं अपने आप, मैंने एक बनाया था, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो हम उसी को बार बार रिवाइज करते रहते हैं, बिल्कुल और हमें जो भी थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है उसको हम नेग्लेक्ट इग्नोर करते हैं। इग्नोर तो करते। मैं अपने लिए ऐसे एक चार्ट बनाती थी, उसमें सभी सब्जेक्ट लिखे, अच्छा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और सब सातों के सेवन सातों सातों सब्जेक्ट लिख लिखे, लिए, और उनके सामने जितनी बार मुझे रिवीजन करना है उनका उतने ब्रैकेट बना लेती थी। ठीक है, जैसे मुझे 5 बार करना है फिल्म से पहले तो उनके अच्छा ब्रैकेट बना लिए। पांच बॉक्स बन गए। घटना चक्र का था, घटना चक्र का मुझे कितनी बार करना है रिवीजन, मैंने जैसे 3 से 4 बार फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए किया था, फिर जब 2021 और 22 का दिया था तब मैंने तीन तीन बार किया था उनका। तो मैंने तो फिर जब उनको टिक करते जाती थी जैसे, और अपने जो डेली में है कि आज मुझे इतना, आज मुझे हिस्ट्री रिवाइज करनी है, तो ठीक जब है, शाम तक वो हो गई, नोट्स हाँ रिविजन हो गई, तो नोट्स के सामने मैंने टिक कर दिया। अच्छा दूसरे दिन मैंने जीसी लगा, घटना चक्र लगाया, तो मैंने उसके सामने टिक कर अच्छा दिया। फिर उससे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलता रहता था बिल्कुल मुझे कि मैं इतना कर रही हूँ, और कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट होता है कि हाँ हमने इस सब्जेक्ट का इतनी बार रिवीजन कर लिया है। तो उससे यह चीज मुझे अंदर से थोड़ा, एग्जाम से पहले थोड़ा पैनिक होते हैं लोग, वो नहीं होने देती थी। और मैं ज्यादातर एग्जाम से 10 दिन पहले तक का अपना एमसीक्यू, जितने भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, वो कंप्लीट करके रखती थी। एक वीक के बाद बस मैं अपने नोट्स का ही बस देखती रहती थी उन्हें। ये मेरा प्रिलिम्स के लिए था। ये प्रीलिम्स का रिवीजन हो गया, अब मेंस का रिवीजन लास्ट के महीने में और लास्ट के वीक में। सर मेंस के लिए लास्ट के मंथ में तो हमने जो हमने नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करना है, और अगर कुछ भी नया डाटा आता है वो हमें लगता है कि जो हमने पहले ऐड किया था उस ठीक है, रिप्लेस हो सकता है तो उसको ऐड कर लिया, उसे ऐड ऑन कर रिवीजन लेंगे। किया और अपने पेपर लगाए। मैं ठीक है, जैसे वही जहाँ पर मेन एग्जाम हमारा जिस होता है जिस समय, उसी समय उसी लगाती समय थी, पे लगाना। और जैसे जो बीच का गैप होता था उस समय अपना रिवीजन किया, और फिर जब दूसरा पेपर होता तब लगाया, फिर रात का टाइम में अपना रिवीजन का कर देती। ठीक है, फिर ये 1 मंथ तक का चलता था। फिर 15 दिन पहले आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बंद करके फिर अपना नोट्स ही रिवीजन करना रहता। अच्छा, जैसे प्रीलिम्स में आपने जो लिस्ट बनाई थी वैसे मैं मेंस बॉक्स, के लिए भी अच्छा बनाती थी मेंस के लिए बॉक्स पे टिक जी, मेंस के लगते लिए थे। भी बनाया था, मेरे पास वो सब अभी है। मेंस के लिए मैं पेपर वाइज हिंदी ऐसे, अच्छा GS 1, 2, 3, 4 और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, उसके सामने अपना रिवीजन का, मैंने इसका कितनी बार रिवीजन कर लिया है, और आंसर मैंने टोटल फुल लेंथ पेपर कितने लगा लिए हैं वो। तो अच्छा उसका मुझे थोड़ा अंदर से मुझे अच्छी फीलिंग होती थी, नहीं, अच्छा है इसलिए ये जो ये टू मैंने, डू लिस्ट बनाते हैं बहुत लोग, ये आप बना रहे हो बहुत अच्छा, इससे पता रहता है हमने कितना करा कितना क्योंकि नहीं करा। क्योंकि मैं अकेली घर पर रहकर ही तैयारी कर रही थी। तो जैसे जैसे अगर हम कोचिंग में जाके बाहर करते हैं तो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनसे हम थोड़ा पता लगता रहता है, हाँ तो वो वाला माहौल नहीं था मेरे लिए। तो हाँ मैं ऐसे खुद को ही सेल्फ असेसमेंट करती रहती थी कि इससे मैंने इतना कर लिया है, इतना ये मैंने इतने आंसर लगा लिए हैं, इतने टेस्ट पेपर लिख लिए हैं, तो मुझे थोड़ा अंदर से फीलिंग अच्छी, बेटर फीलिंग देता था। तो ये आपने प्रीलिम्स का पूरा स्ट्रेटेजी समझ ली, मेंस की भी बता दी, नोट्स भी बता दिया, आपको रिवीजन भी बता दिया, और तो जो टू डू लिस्ट वो बताई ना जो इसके बॉक्स वाली, बच्चों उसको जरूर ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो हमें सेल्फ डिसिप्लिन वे में इस प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन देती है। अब इंटरव्यू राउंड के बारे में बताइए कि इंटरव्यू कैसा रहा था आपका। सर मेरा इंटरव्यू 2022 का तो सर ठीक रहा था, और सर जब 2021 का इंटरव्यू था वो मेरा, पुराना वाला, हाँ हाँ पुराना वाला, वो अच्छा नहीं हुआ था, और शायद उसी के बेसिस पे ही मेरा उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ था। इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मैं सोच रही थी, और सर इसका कारण एक ये भी था कि जब पहले मैं जब इस तैयारी में आई नहीं थी तब सोचती थी, तब मुझे ये लगता था कि जब अपना प्रीलिम्स और मेंस का है वो तो अपना, क्योंकि बचपन से पढ़ने में ही ठीक रही हूँ, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर करके पढ़ना पड़ा हो, तो यह रहता था कि पढ़ तो मैं लूँगी, मेंस तक तो लिख लूँगी, जब इंटरव्यू की बात आएगी तब मेरे अंदर से, क्योंकि मुझको थोड़ा बोलने में हेजिटेशन होती है, अच्छा थोड़ा शाइनेस है, और जो इंट्रोवर्ट नेचर होता है वह है, और मैं ज़्यादा कहीं बाहर अपने घर वालों से के अलावा बाहर कहीं मैं बोलती भी उतनी नहीं हूँ। ज़्यादातर लोग ये कहते थे कि हमने इस लड़की को कभी बोलते हुए ही नहीं सुना है। तो यह था, तो मेरा इंटरव्यू के लिए काफ़ी मुझे डर सा रहता था अंदर से, तो इसी वजह से मेरा जो 2021 के लिए इक्कीस इंटरव्यू वाला कॉल आई थी तब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, वो मॉक इंटरव्यूज दिए मॉक थे इंटरव्यू जी, देते हैं। तो वो दिए थे, तो वहाँ पे भी मुझे यही फीडबैक मिल रहा था कि अपना जो डर है, घबराहट है, उसे हटाइए, अगर ये हटा लेंगी तो आप, आपका इंटरव्यू ठीक होगा। लेकिन वहाँ जो मेन इंटरव्यू हुआ था वहाँ पर भी
जैसे ही जो चेयरमैन सर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और जब भी उन्होंने मेनली स्टैटिस्टिक्स मेरा था पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वहाँ से पूछे, तो वो मुझे मुझ पे जब नहीं आए तो वही मेरे पे फिर वो डर क्रिएट होता चला गया। फिर उसके बाद जितने भी और सर थे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो मुझे बहुत, मैंने इजी इजी क्वेश्चन के लिए भी मुझे नो सर कहना पड़ा। तो वो चीज़ें एकदम दिखने लगी थी जब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, तो उसकी वजह से मेरा वो इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ। लेकिन इस बार मैंने इंटरव्यू के लिए जब रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, उससे पहले मैंने अपना जो भी डैफ होता है हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। अपने जो मेरे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उनको मैंने, जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी होती बेसिक है बेसिक वो मैंने हाँ कर ली थी, और फिर करंट अफेयर को भी देखती रहती थी, और वो प्रैक्टिस तो नहीं पर मैंने प्रैक्टिस कभी कभी कर ली एक दो दिन बाद। पर जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया उसके बाद से, क्योंकि क्योंकि मेरा 2021 में ठीक नहीं हुआ था मेंस, तो मुझे अंदर से ये फील हो रहा था कि मुझे अब इंटरव्यू के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़नी है, अपनी तरफ ठीक से है कोई कमी छोड़नी नहीं चाहिए हमें किसी भी लेवल के लिए। तो फिर मैं उसके लिए एक सर मैम है डॉक्टर अलका दीक्षित मैम और डॉक्टर प्रदीप दीक्षित सर, उन वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चलाते हैं, तो मैंने वहाँ जाकर उनको ज्वाइन किया था। तो उन्होंने जैसे हम कैसे हमें सॉरी बोलना है, हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है किस प्रकार से, तो वो सब चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो और फिर जैसे वो सिखाते थे, और उसके बाद फिर फ्रेंड थे भाभी, भैया भाभी, वो फिर मेरा जो बैकग्राउंड है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो बना के रखते थे जैसे। अच्छा हाँ तो फिर जैसे मैं अपना वो करके आई, फिर सब सुबह शाम के सब सुबह के टाइम, और जैसे हम सामने बैठ के आधा आधा घंटे के वो 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, फिर ऐसा ही जब तक मेरा इंटरव्यू के एक दिन पहले तक यही चला। तो इससे जो भी मेरे डेप से क्वेश्चन बने, जो भी मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चन बने, वो हमने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से वो ज़्यादातर डिस्कस कर लिए थे। अच्छा हाँ तो फिर उतना जब इंटरव्यू हुआ मेरा, तो उसमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी था कि मैंने अपनी मेहनत पूरी कर ली है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन डर भी रहता है कि हाँ पता नहीं किस प्रकार के क्वेश्चन क्या पूछ लिए बाउंसर जाएँ। आ जाए। तो पर जब मैं अंदर गई तो जो भी बोर्ड मेंबर थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो जो भी क्वेश्चन थे वो एवरेज इंटरव्यू मेरा गया था, और कुछ अच्छा क्वेश्चन में मुझे चार से पांच क्वेश्चन में नहीं आए, तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से सॉरी सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं आता है, तो ऐसे मैंने बोल दिया था, तो इससे मेरा इस बार का इंटरव्यू ठीक हुआ था। हाँ 21 में जो कमी थी वो आपने 22 में जी पूरी कर ली। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे थे? सर, इंटरव्यू में मुझे मेरे सोशियोलॉजी ऑप्शनल से पूछे थे, और मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से, और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे थे। जैसे सर सोशियोलॉजी से मुझे पूछा था समाज और समुदाय की डेफिनेशंस क्या हैं, और शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और ये भी पूछा था कि फैमिली फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसका फ्यूचर आप कैसे देखती हैं इस प्रकार के। ठीक है और क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स से किया हुआ है, तो ये पूछा था कि आप इस सब्जेक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करेंगी। ठीक हाँ, है और ये था एक जो भारतीय समाज है उसकी कुछ कमियां बताइए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेनली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और उन्होंने सिचुएशनल सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन पे आपके जो है जी, कुछ करंट क्वेश्चन थे। अफेयर हाँ के भी थे, जैसे G20 उस समय जी समिट चल रही ट्वेंटी चल थी रहा वो था था, इसलिए जी और कुछ ट्वेंटी इंटरनेशनल रिलेशन से भी थे कुछ क्वेश्चन। उनको मुझे ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर नहीं थे, तो उन पे मुझे सॉरी बोलना पड़ा था। ठीक है। तो ये थे दिव्या के क्वेश्चन, जो कुछ रिकॉल कर पा रही है वो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। आप लोगों का भी जब टर्म आएगा तो आप लोगों से भी उसी समय ऐसे क्वेश्चन पूछते आई हो। पूरा बोर्ड मतलब कैसा था, फ्रेंडली था जी या काफ़ी, काफी वो था स्ट्रिक्ट? नहीं सर काफ़ी फ्रेंडली सर थे, और बहुत अच्छा, मुझे जब इंटरव्यू देकर बाहर आई तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब इस बार आ रहा था कि इस बार हो जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे ना। जी सर, यह था कि अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, तो ये था कि हो जाएगा। दिव्या के बारे में जो है हमने पूरा जान लिया कि प्रीलिम्स में इनकी क्या स्ट्रेटेजी थी, मेंस में क्या स्ट्रेटेजी थी, इंटरव्यू क्या था, और आयोग ने भी सब कुछ जान लिया और आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन अब हम जो है कुछ स्पेशल थिंग्स आपके लिए लेके आए हैं कि अब हमें जानना चाहते हैं कि दिव्या क्या है। तो दिव्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा रैपिड फायर, आपको उसके जवाब देने पड़ेंगे, जिससे हमारे सारे व्यूअर्स को पता चले अंदर से दिव्या है क्या। ठीक है ना? अगर आप चाहे अपना नाम चेंज करना तो क्या नाम रखना चाहोगे? दीवू, पीहू, दीवू। दीहू, दीहू नाम रखना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन,
इस साल का जो है कोई इंटरेस्टिंग डे या कोई पल याद है तुम्हें? सर 7 अप्रैल 2023 क्या था इस दिन? सर इसमें रिजल्ट आया था रिजल्ट आया था। फेवरेट कलर क्या है आपका? सर ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन। चलो अगर मान लो आपको जो है 30 सेकंड दिए जाए और कुछ भी आप जो आपके सबसे अच्छा लगता हो आपको कि यार मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए, तो उस 30 सेकंड के लिए कौन सा टॉपिक उठाओगे आप? सर मैं महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए। ठीक है। पेट पसंद है जी क्या? सर मेरे पास है घर पर प्लूटो अच्छा, नाम है सर। प्लूटो नाम रखा है उसका। ठीक है। अच्छा, खाना खाने में सबसे ज्यादा क्या फेवरेट है आपका? सर मुझे सर सभी खाना पसंद है सभी खाना? तो मतलब कुछ भी कुछ तो होगा। सर, ज्यादातर सब मैं खा लेती हूँ, कुछ ऐसा पसंद या नापसंद का नहीं है। चलो, तो ये सब था दिव्या के बारे में। थैंक यू दिव्या आने के लिए, और हमारी CTWT की तरफ से कुछ है आपके लिए। थैंक ये तो यू। दिव्या, CTWT का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर जैसे मैं भी जब तैयारी कर रही थी तब कैमोमाइल टीवी टॉपर्स के वीडियो देखती थी, जिससे मुझे अच्छा। भी जो मैं कहीं कमी कर रही होती थी तो मैं उनको सुधारती थी। तो मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और यही उम्मीद करूँगी कि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उनके ज़रिए अगर जो भी एस्पायरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा फायदा मिल जाए हो। इसको। अच्छा, एक कोई टॉपर को अगर आप टैग करना चाहें तो किसे करेंगे? सर मैं अनामिका मौर्या को टैग करना चाहूँगी, मेरी उनसे मुलाकात इसी जब मैं मेंस दे रही थी तब अच्छा। वहाँ हुई थी, और वो उनकी इस बार SDM का पद पर ही चयन हुआ है इसी 2022 जी में? 2022 में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे उनको यहाँ पे लाने की। तो इस वीडियो को यहीं पे बाइंड करने से पहले दिव्या, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जितने भी व्यूअर्स हैं और जो किसी भी एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? सर मैं सभी एस्पायरेंट को और जो भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप अपनी मेहनत कीजिए, सिंसियरली कीजिए, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो डेफिनेटली आएगा। और हमें असफलता मिलती है तो जो कुछ पंक्तियाँ मैं अपने दिमाग में हमेशा चलती रहती थी, जैसे असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब फेल होते हैं तो कहीं ना कहीं कमी तो हुई होती है, तो हम अपनी कमी को भी नहीं देखते हैं। तो हमें सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करना है, और मेहनत तो करनी ही है, और खुद के ऊपर विश्वास रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए, और इन्हीं सब चीज़ों से आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू दिव्या फॉर कमिंग।